अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मैं ऑन डेली बेसिस 5 वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स में यूज़ होते हैं उनको आपके साथ शेयर किया करूँगी। सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज हम अपनी वीडियो, आज की फ़र्स्ट वीडियो इस सिलसिले की स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड विच आई हैव चूजन इज़ पेंशेंट। It is a word which is used as a noun and iska matlab hai inclination. Inclination, attraction, if you tilt towards something then it is called you are penchant about something. Okay, so aapki kisi cheez ki taraf zyada raghbat ko hum kehte hain penchant, aur isko urdu mein bolte hain word raghbat. So the second word is nuance. Nuance is also used as, it is used as noun as well as verb. Nuance ko agar hum noun ke taur pe use kare, it's mean minor distinction, fine detail. Theek hai, minor distinction. Or fine detail. कि किसी चीज़ के मतलब इसकी बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स को हम कहेंगे न्यूआंस। और अगर हम इस वर्ड को एज अ वर्ब यूज़ करें तो इसका मतलब होता है टू चेंज और टू रीडिफाइन, रीडायरेक्ट, तो उसको कहते हैं न्यूआंस। द थर्ड वर्ड इज़ प्रीडिकमेंट, और इस ये भी एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और ये वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान से रिलेटेड जो आपको आर्टिकल मिलेंगे ना उसमें ये यूज़ होता है। और इसको आप, इसका एक और सिनोनिम वर्ड है इसका भी मतलब यही होता है। फोर्थ वर्ड इज़ प्रूडेंस। प्रूडेंस ये यूज़ होता है एज अ नाउन और इसका भी मतलब होता है विजडम और सगेशियस, श्यूड, ये सारे मतलब चलाकी या अकलमंदाना, इस सेंस में इसको यूज़ करते हैं प्रूडेंस को, विजडम। द लास्ट वर्ड इज़ गैफ। गैफ मीन्स ये भी एक नाउन के तौर पे यूज होता है और इसका मतलब होता है फॉलिश एरर, या आप इसको कह सकते हैं ब्लंडर। हम कहते हैं ना आपने ब्लंडर कर दिया, ये क्या ब्लंडर कर दिया, सो इसको इस सेंस में यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द 5 वर्ड्स जो मुझे लगा कि आज आपके साथ मुझे शेयर करने चाहिए हैं, और ये वर्ड्स मैं अपने टेलीग्राम के चैनल में भी रोज़ इसकी पिक्चर शेयर कर दिया करूँगी, आप वहाँ से ये इसको ले सकते हैं। सो होप सो ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आई विल कैच यू टुमारो इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।